लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बात है सुधांशु भैया, आज कोई दिवाली तो है नहीं, फिर किस बात की मुबारकबादी दे रहे हैं आप हमें? अब अपनी तो हर दिन और हर रात दिवाली है गंगाधर। क्या हुआ? क्योंकि शक्तिमान की कहानी लिखने के लिए शक्तिमान की गर्लफ्रेंड गीता विश्वास इंडिया आ रही है। शक्तिमान की गर्लफ्रेंड जी? क्या कहा आपने? यही कि गीता विश्वास इंडिया वापस आ रही है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारे बिगैर भी शक्तिमान की कॉमिक्स निकाल सकता हूँ। गीता ही शक्तिमान की हर कहानी लिखेगी और उसकी हर कहानी तो सच्ची ही होगी ना गंगाधर। परंतु आपसे किसने कह दिया कि गीता विश्वास वापस आ रही है? खुद गीता विश्वास ने, और वो तो आज रात इंडिया पहुंच भी जाएगी। अब शक्तिमान की कॉमिक्स निकालने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता गंगाधर, कोई नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। मैं भी अब चलता हूँ क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें एक खबर सुनाने आया था। नमस्कार। ओ नमस्कार गंगाधर। आप लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को कभी भूल नहीं पाऊंगी। गीता, हम तुम्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। हाँ गीता, हम भी तुम्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। लेकिन तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा गीता। कुछ नहीं कहेंगे गंगाधर जी? जी जी वो अब हम क्या कहें, हमें शब्द नहीं मिल रहे। मेरे जाने से तुम्हें खुशी हो रही होगी ना? जी आप क्या कह रही हैं, भला हमें क्यों खुशी होगी? क्यों? अब शक्तिमान का न्यूज सिर्फ तुम अकेले लेकर आओगे, सारा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा और अपना नाम मेरे साथ शेयर भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, है ना? क्या कह रही हैं आप देवी जी? एक तो आप हमें अकेला छोड़कर जा रही हैं और ऊपर से ऐसी बातें कहकर हमारा दिल दुखा रही हैं।
मेरा ये मतलब नहीं था गंगाधर। अरे हाँ, तुम अपनी एक चीज मेरे घर बुलाए थे कल, मैं साथ लाई हूं। आपके घर में? हाँ, तुम भूल गए थे, ये भूल गए थे। अच्छा वो आप अभी सर लेकर आई हैं। लगता है इसमें कुछ खास चीज है। भाई अब इसमें क्या है, ये सिर्फ मैं और गंगाधर जी जानते हैं। घबराओ मत, तुम्हारा ये रहस्य मैं किसी को नहीं बताऊंगी। धन्यवाद। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय। अजय गीता जी ऑफिस में हम सबको फोन करते रहना जी। आपकी बहुत याद आएगी गीता जी। जब भी इंडिया आओ हम लोग को मिलने जरूर आना। बाय गीता, सी यू। उसने तो प्रण लिया था कि वो मुझसे कभी नहीं मिलेगी, तो क्या वो अपने प्रण को भूल चुकी है, या कहीं उसके हृदय में पल रहा मेरे प्रति प्रेम उसे विवश तो नहीं कर रहा यहां आने के लिए। लेकिन ये गलत है। अगर वो दोबारा भी यहां पर आई तो मैं उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं उसके प्रेम को स्वीकार। अगर वो शक्तिमान की कहानी लिखेगी तो उसे शक्तिमान को तो मिलना ही पड़ेगा ना, पर कैसे मिल पाएगी वो शक्तिमान को, और मैं गंगाधर बनकर भी उससे नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जान चुकी है कि मैं ही गंगाधर हूं और मैं ही शक्तिमान हूं। लेकिन फिर अपनी कहानी लिखने के लिए वो उससे मिले बगैर कैसे लिखेगी, पता नहीं कैसे मिल पाऊंगा मैं उससे, क्या होगा अब, क्या होगा। अरे वो लड़की कहां चली गई, पता ही नहीं चला कब चली गई वो। अब वो उस कैमरे को लेकर उसी के पास जाएगी जिसने उसे भेजा था। अब मैंने उसकी चाल को नाकामयाब बनाने के लिए अपनी चाल तो चली थी, पर कहीं वो मेरी चाल को समझ तो नहीं जाएगा। क्या उसने खुद तुम्हें ये कैमरा लौटा दिया? हाँ। ओह, मगर तुमने उसे मना क्यों नहीं किया कि ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था ना? हाँ बताया तो था, मगर मैं उस समय कुछ घबरा गई थी इसीलिए मैंने चुपचाप ले लिया। तो इसका मतलब ये है पार्टनर कि उसे पहले से मालूम था कि उसके घर में कैमरा रखा गया है, और कैमरा रखने वाले ये रितु। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि गंगाधर को ये मालूम था कि ये चीज कैमरा है। अगर उसे मालूम होता तो वो मुझसे भी तो कुछ पूछताछ करता ना। नहीं, उसने पूछताछ इसीलिए नहीं की क्योंकि वो चाहता था कि हम यही समझे कि उसे पता नहीं है कि ये चीज कैमरा है। भोला बनकर उसने बहुत ही करारा जवाब दे दिया हमें। उसकी इस चाल से मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। मुझे यकीन होता जा रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, और वो मणि भी अब उसी के घर में कहीं छिपी हुई होगी। देखो पार्टनर, अगर वो सचमुच शक्तिमान है तो उससे टक्कर लेना अच्छा नहीं है। अच्छा यही होगा कि हम लोग उस मणि की बात को भूल जाएं। शक्तिमान से टक्कर लेना ही तो मेरा मकसद है। देख लेना, एक न एक दिन मैं वो मणि उसके यहां से हासिल करके रहूंगा। बस उससे पहले मुझे ये साफ साफ पता चल जाए कि शक्तिमान रहता कहां है,
और ये भी पता चल जाए कि गंगाधर ही शक्तिमान है, उसके बाद द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉब का करिश्मा तुम देखना। अरे हाँ याद आया, मुझे आज गंगाधर के घर में शक्तिमान के बारे में एक बात मालूम हुई। क्या क्या मालूम हुआ? गंगाधर के घर में एक आदमी आया था, वो उसे बता रहा था कि शक्तिमान की गर्लफ्रेंड इंडिया वापस आ रही है। कौन? गीता विश्वास? आप उसे जानते हैं डॉक्टर? अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उसे। अगर गीता सचमुच वापस इंडिया आ रही है तो फिर हमारे लिए इससे बढ़कर कोई और खुशी की बात हो नहीं सकती। नीता, लेकिन अगर शक्तिमान की गर्लफ्रेंड इंडिया आ रही है तो ये हमारे लिए अच्छी खबर कैसे हो सकती है? अभी ये तुम नहीं समझोगे नवरंगी, अभी तुम बस इतना समझ लो कि गीता के इंडिया लौटने पर जहां हमें ये बात साफ साफ पता चल जाएगी कि गंगाधर ही शक्तिमान है या नहीं, वहीं दूसरी ओर शक्तिमान की दिव्य मणि हमारे कब्जे में आ जाएगी। सच, अगर वो दिव्य मणि हमारे हाथ लग गई तो कितना मजा आएगा, हम सब लोग सचमुच दौलतमंद हो जाएंगे। 100%। अच्छा पार्टनर, गीता के इंडिया आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? बहुत उतावले हो रहे हो नवरंगी। जानना ही चाहते हो तो सुनो, इंडिया लौटने पर गीता का सबसे पहले स्वागत हमें करना है। गीता का स्वागत हमें? हाँ, गीता का स्वागत हमें। हेलो। हेलो मामा, मैं गीता बोल रही हूँ। क्या गीता, कितने दिनों बाद फोन किया बेटे, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मामा। अच्छा मामा, आपके लिए खुशखबरी है। मेरे लिए तो खुशखबरी बेटे बस एक ही हो सकती है कि तू जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। बस मामा, यही खुशखबरी है। क्या क्या कहा तूने बेटा? हाँ माँ, मैं यूएनओ की नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया वापस आ रही हूँ। तू सच कह रही है ना बेटे, तू वाकई इंडिया वापस आ रही है ना? हाँ माँ। अच्छा माँ, अप्पू कहाँ है? सो रहा है बेटे, मैं अभी जगाती हूँ। ना ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहीं आकर उससे मिल लूंगी। लेकिन बेटा तू आ कब रही है? माँ मैं कल रात को इंडिया पहुँच रही हूँ। कल रात? इतनी जल्दी तूने लौटने का फैसला कैसे कर लिया बेटे? वो क्या है ना माँ, शायद मेरी जिंदगी में सब कुछ अचानक ही होना लिखा है। अब देखो ना, मेरा इंडिया से अमेरिका आना भी अचानक ही हुआ, अब वापस आना भी अचानक ही हो रहा है। लेकिन माँ मैं क्यों आ रही हूँ, किस लिए आ रही हूँ, वो सब कुछ मैं इंडिया आकर आपको बताऊंगी। ओके, मुझे आने की तैयारी भी करनी है। I'm going to hang up, mama. ठीक है, मैं अप्पू के साथ लेने तुझे एयरपोर्ट आ जाऊंगी। ना ना माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद घर आ जाऊंगी। Yes. अच्छा माँ एक और बात, प्लीज किसी को मत बताना कि मैं वहां आ रही हूँ, मुझे एक दो दिन रेस्ट करना है। ओके ठीक है बेटा। अच्छा माँ, लव यू, सी यू सून, बाय। बाय बेटा, गुड नाइट। बेटे उन्होंने हमें एयरपोर्ट आने के लिए क्यों मना किया? अगर हम एयरपोर्ट चले जाते तो क्या होता? अभी आती होगी। दीदी 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 दीदी, आप कहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं सपना हूँ, मैं सेवादास ग्रुप ऑफ कंपनी से आई हूँ।
क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकती हूँ? कहिए क्या बात है? देखिए, हमारी कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है जो कि जरूरतमंद लोगों को ढूंढ कर उन्हें लोन देती है, वो भी बहुत ही कम ब्याज पर और आसान किस्तों पर। जैसे कि उन्हें घर दिलाना, रोजगार दिलाना, घर की जरूरतमंद चीजें दिलाना। आपको अगर किसी फाइनेंस की जरूरत हो तो? नहीं, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सोच लीजिए आंटी, इस तरह की फाइनेंस कंपनी आपको दोबारा नहीं मिलेगी जो खुद घर आके लोन दे। बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप कोई और जरूरतमंद इंसान ढूंढ लीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा तो ये काम है, हम तो कोशिश करते ही रहेंगे और इसी तरह से हमें जरूरतमंद लोग भी मिल जाते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक ग्लास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ, अभी एक मिनट में लेके आती हूँ। बेटा, हम लोग चाकू छुरी तेज करने वाले हैं। मम्मी! अबे मम्मी के बच्चे! मम्मी, मम्मी बचाओ मम्मी! अपू बेटा! मम्मी, मम्मी! कौन हो तुम लोग? घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? बुढ़िया, ज्यादा आवाज नहीं करना, वरना तेरे बच्चे की नरम नरम गर्दन मैं उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगर अपने बच्चे की सलामती चाहती है तो चुपचाप वैसा करती जा जैसा हम कहते हैं। हाँ, मैं वैसे ही करूंगी। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। सबसे पहले चुपचाप जाकर उधर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, चलो। हाँ। चलो। अगर आप लोग लूटपाट के इरादे से यहाँ आए हैं तो मेरे घर में इस फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं है। हम तेरे घर में जिसे लेने आए हैं वो अभी सचमुच तेरे घर में है नहीं, मगर कोई बात नहीं, वो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगी। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं समझी। मेरे पार्टनर का कहने का मतलब है मैडम बुढ़िया कि तुम्हारी बेटी गीता विश्वास को हम लेने आए हैं। नहीं नहीं नहीं। क्यों पार्टनर? उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते आप लोग। बस ये समझ ले बुढ़िया कि एक पुराना हिसाब चुकाना है उससे। कौन सा हिसाब? सब पता चल जाएगा। लगता है वो बाहर आ चुकी है। तुम चुपचाप दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आओ। नहीं, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी। तो फिर मुझे इसकी जान लेनी ही पड़ेगी। रुक जाओ प्लीज। तो चुपचाप जाकर दरवाजा खोलो। और भूलना मत, हमारे चाकू की नोक तुम्हारी बेटी की गर्दन पर है। अब जाओ, तुम लोग भी जाओ। अपू कहाँ है? कौन हो तुम लोग? इधर हम भी हैं गीता बेटे। डॉक्टर जैकब तुम? अंकल कहो गीता बेटे, जैकॉल अंकल। आखिर तुम्हारे पापा का दोस्त था मैं। अंकल माय फुट। मामा, ये वही आदमी है जिसकी वजह से पापा शैतान बन गए थे और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। और अब मेरे ही हाथों तुम्हारे प्यारे भाई की भी जान जाएगी। नहीं। गुड, तो इसका मतलब तुम वो सब करोगी जो मैं चाहूंगा। आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए तुम्हें बेहोश होना पड़ेगा।
What? Yes, my little niece. शक्तिमान होता है जब आदमी को अपना ज्ञान।